दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स 2। ये 2019 की एक एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है, डायरेक्टेड बाय क्रिस रेनॉल्ड। दोस्तों इस फिल्म में जो फिल्म की एग्जैक्ट स्टोरी है वो क्या है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इस फिल्म में ढेर सारे सबप्लॉट्स हैं, जिस वजह से ये बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि भाई फिल्म की असल कहानी क्या है। लेकिन ये इस फिल्म का प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और हम फिल्म को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं और देखने में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यानी कि एक तरीके से ये फिल्म हमें बांधे रखती है शुरू से लेकर अंत तक। अगर आपको नहीं पता है कि द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स ये सीरीज हमको क्या दिखाना चाहती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सीरीज हमें पेट्स के नज़रिए से इस दुनिया को दिखाने की कोशिश करती है। और वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या सारी बातें चल रही होती हैं अपने मालिकों के लिए, और वो किस तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं, उनके मन में किस तरीके की बातें उठती हैं, और वो किस तरीके से जीना चाहते हैं, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या उनको बुरा लगता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस फिल्म में देख सकते हैं। और एक तरीके से ये इस फिल्म का प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो फिल्म में हमको दिखाना चाहिए था फिल्म में हमें वही चीज़ दिखाया भी गया है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो इसका फर्स्ट पार्ट है जो 2016 में आई थी वो फिल्म मैंने नहीं देखी है, और जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो मुझे इस फिल्म को समझने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं भी देखा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस फिल्म को इंजॉय करेंगे। इस फिल्म में हमें ढेर सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फिल्म में कैरेक्टर डेवलपमेंट पर बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान दिया गया है। इसी वजह से जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं वो हमें याद रह जाते हैं फिल्म के आखिर तक, और पूरी फिल्म के दौरान उनसे हमारा एक तरीके का जुड़ाव बन जाता है, जो कि इस फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी था। फिल्म की अगर हम कमी की बात करें तो फिल्म कहीं कहीं पर थोड़ी मोड़ी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर ये फिल्म हमको बोर करती है, वरना ये पूरी फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको फिल्म देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिल्म की लेंथ लगभग 1.5 घंटे की है, तो फिल्म आपको बिना बोर किए अच्छे से इंटरटेन कर देती है, और फिल्म में आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपको फिल्म में मज़ा नहीं आएगा, आपको देखने का मन नहीं करेगा। खासकर बच्चों को तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जिस तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है, जानवरों और इंसानों के बीच एक प्रेम एक स्नेह का भाव पैदा करने की कोशिश की गई है, जो कि हमें इस फिल्म को देखते हुए साफ साफ पता भी चलती है। हालांकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये फिल्म उतनी कुछ खास पसंद ना आए, लेकिन खासकर मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए ही बनाई गई फिल्म है, तो बच्चों को तो ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी अगर वो देखने जाएँ। ये फिल्म उतनी ज़बरदस्त फिल्म तो नहीं है, लेकिन ये एक बढ़िया वेल एंटरटेनिंग फिल्म है, तो अगर आप चाहें तो एक बार इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं। और ख़ासकर ये फिल्म बच्चों को तो बहुत अच्छे से एंटरटेन करेगी, तो उनके लिए तो ये एक बढ़िया फिल्म है, और हो सके तो उनको भी एक बार ये फिल्म देखनी ही चाहिए। तो दोस्तों जहाँ तक बात रही इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 7/10 स्टार। बाकी अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी ऐसी ही मूवी के रिव्यू के साथ में। जोहार।